छत्तीसगढ़ के गोरेला पिंजरा मरवाही में कांग्रेस कमेटी के नेता और उनके समर्थक आपस में आमने सामने हो गए। आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, उनके समर्थकों एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास तथा उनके समर्थकों के बीच जमकर गाली गलौज हुआ। बता दें कि मरवाही उपचुनाव के पहले कांग्रेस को मजबूत एवं संगठित करने के लिए चलाए जा रहे चाय चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की बैठक में यह विवाद हुआ है। हालांकि मारपीट बंद कमरे में कांग्रेसियों के बीच हुई, जिसका कोई वीडियो वायरल नहीं हो पाया, परंतु कांग्रेस एक करने एवं संगठित कर उपचुनाव की तैयारी करने की प्रादेशिक नेताओं की योजना पर चाय जरूर गिर गई। मरवाही में उपचुनाव की घोषणा की तिथि अभी घोषित नहीं हुई, पर अजीत जोगी के निधन के बाद रिक्त हुई मरवाही विधानसभा के लिए उपचुनाव 6 माह के अंदर तय है, जिनके जीतने के लिए कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं एवं कैबिनेट के मंत्रियों का क्षेत्र में लगातार दौरा जारी है। कांग्रेस के लिए मरवाही सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। भूपेश मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम और युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी क्षेत्र का दौरा कर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आला नेता लगातार आपसी विवाद भूलकर चुनाव में ध्यान देने के लिए जोर भी दे रहे हैं, पर इनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। जिला कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी अब भी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कौन किस बड़े नेता का आदमी है, उसी के अनुमान फ्लेक्स भी तैयार किए जाते हैं। आज इसी बात को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जमकर विवाद हुआ। दरअसल चाय चौपाल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही थी, जिसमें जिले के सभी बड़ा पदाधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान चाय चौपाल के लिए तैयार की गई फ्लेक्स को लेकर पिंजरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास ने आपत्ति दर्ज करवाई। साथ ही चरणदास महंत की फोटो के बिना फ्लेक्स तैयार होने पर आपत्ति के साथ भी प्रस्ताव रखा। बस इसी बात को लेकर जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता और प्रशांत विवाद के बीच कहासुनी हो गई। पहले तो बात आग्रह तक थी, बाद में गाली गलौज तक जा पहुंची। दोनों के बीच काफी समय तक विवाद होता रहा और एक दूसरे को देख लेने की नौबत आ गई। कुछ सूत्रों की माने तो यहां तक बताया गया कि दोनों ने एक दूसरे का कॉलर भी पकड़ लिया, पर किसी तरह से मामले को शांत भी करवाया गया। वहीं मामले पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने मीडिया में कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश की, पर इतना जरूर कहा गया है कि चरणदास महंत हमारे नेता है और क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं, पर फिर भी जो विवाद हुआ उसकी बात अब वह पार्टी फोरम में ही रखेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव उत्तम वासुदेव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए दो संगठन के नेताओं का आपस में इस तरह विवाद होना और गाली गलौज होना संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है कहा है। गोरेला पिंडरा मरवाही से संवाददाता संतोष नामदेव की रिपोर्ट। हम लोग कांग्रेस के लोग गांव गांव जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो विवाद की बात आ रही है वो किस तरह का विवाद हुआ है? कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, हम तीनों ब्लॉकों के लोग, चाहे जनप्रतिनिधि हो या संगठन के पदाधिकारी हो, हम सबका लक्ष्य एक है। हम उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी ऊपर से शीर्ष नेताओं के माध्यम से या हमारे इस जिले के प्रभारी माननीय मंत्री जी के माध्यम से जो निर्देश प्राप्त होता है, उन निर्देशों का पालन करें। चर्चा ये आ रही है कि महान जी की फोटो को लेकर एक विवाद हुआ फ्लैक्स में लगाने में। महान, आप सभी जानते हैं महान जी एक संवैधानिक पद के हैं, हमारे प्रिय नेता हैं और हमारे इस क्षेत्र की सांसद आदरणीय ज्योत्सना महंत। अब कुछ लोगों को अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, मुझसे व्यक्तिगत उनका निजी मामला और नहीं जानते उसके बारे में। सोशल मीडिया में कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, तो वो फिर क्या बोलते हैं उसके लिए? अभी इनका निजी वक्तव्य है, कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं, मेरे तक ये बात नहीं है। भैया महंत जी की फोटो को लेकर एक विवाद हो गया आपका और जिलाध्यक्ष के बीच में, क्या आपने किन बातों को लेकर आपने अपनी राय रखी थी जिसमें वो सहमत नहीं हुए? देखिए, चूंकि बैठक थी जिला कांग्रेस कार्यालय में और पार्टी की बात है, तो मैं इस बात को पार्टी फोरम में उचित समझता हूँ रखना और मैं पार्टी फोरम में रखूँ। जिला अध्यक्ष ने कहा कि महंत जी की फोटो को लेकर आपने ऑब्जेक्शन किया, तो क्यों ऑब्जेक्शन किया आपने और कहाँ से उनकी फोटो गायब हो गई है? एक्चुअल में वो जिलाध्यक्ष जी जो जो कहें जिलाध्यक्ष जी ने जो कहा है मैं उसमें पलटवार नहीं करना चाहता, मैं पार्टी फोरम में ही इस बात को रखना चाहूँगा।
अभी जो चाय पे चर्चा चौपाल जो बना रखा है कार्यक्रम, उसमें से महन जी की फोटो गायब है, तो क्या उसी बात को लेकर आपने अपने जो अपना पक्ष रखा था उसी बात को लेकर आपने पक्ष रखा था? पक्ष मेरा बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि क्षेत्रीय सांसद रह चुके हैं और इस क्षेत्र के नेता हैं। मैं आगे इस बारे में पार्टी को फ्लेक्स को लेके पेंड्रा गौरेला मरवाही जो जिला है उसमें जिला अध्यक्ष कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के बीच में वाद विवाद हुई, मामला काफी आगे तक बढ़ गया, दोनों के विवाद की स्थिति भी काफी आगे तक बढ़ गई। आप सीनियर सदस्य हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में हैं, किस तरह देखते हैं पूरे विवाद को? क्योंकि विवाद तो चाहे कहीं भी हो, विवाद ही बेकार है, और पार्टी के अंदर पदाधिकारियों के बीच में विवाद होता है, नैतिक रूप से ठीक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में अपनी बात को पार्टी फोरम में रखते हैं, और पार्टी फोरम में जो कोई बात रखता है तो उसको सुनी जानी चाहिए। उत्तेजनापूर्ण बात करने से गाली गलौज करने से पार्टी का नुकसान होता है। निश्चित है संज्ञान में लेने का मामला है, और मैं भी आगे पार्टी के जो मेरे आला नेता हैं उनको तक बात पहुँचाऊँगा किस तरीके का आगे पार्टी के नुकसान ना हो और इस तरह की बात ना हो, वाद विवाद की स्थिति ना बने, इसके लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा। अभी चुनाव का समय है और दो जिम्मेदार पदाधिकारियों के बीच में आपस में गाली गलौज मारपीट तक की स्थिति बन जाती है, इसे किस तरह देखते हैं? आगे इस प्रकार के विवाद ना हो, इसे ये स्थिति ना निर्मित हो, उसमें किस तरीके से काम करेगा संगठन? संगठन के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय चिराग दास महन, बड़े बड़े नेता हैं। निश्चित है अभी अपने प्रभारी हैं अटल श्रीवास्तव जी हैं, ये मामला उनके संज्ञान में, अटल भी श्रीवास्तव जी के मामले संज्ञान जा चुका है। अब रही बात इसको कैसे रोकना है, तो निश्चित है कि आपस में हम सब एक परिवार के लोग हैं, इसको बैठ के निपटाएंगे कि आगे भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। एक जो छोटा सा मामला था महन जी की फोटो को लेकर विवाद हुआ और विवाद बढ़ गया, तो क्या फोटो को इस तरीके से हटाना या लगाना इसको किस तरह देखते हैं, जबकि महन जी का इस क्षेत्र में काफी वर्चस्व है और एक सीनियर नेता के रूप में पार्टी में भी बड़ा स्थान रखते हैं? निश्चित ही अब क्योंकि मैं सुना हूँ, अब क्योंकि वहाँ रहा नहीं, आज मैं बाहर गया हुआ था, पहली बात कहना चाहूंगा यदि किसी कार्यकर्ता को लगता है कि इस नेता का फोटो रहना चाहिए तो लगा है, उसका मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी तरीके का पार्टी अनुशासन के खिलाफ नहीं है, और यदि इस बात से यदि तूल दिया गया है तो गलत है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।